चरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवाढान में संचालित वेयर हाउस में एक कर्मचारी के सीने में अचानक दर्द उठा। वह तड़फने लगा, जिसकी जानकारी उसके साथियों के द्वारा वेयर हाउस कॉरपोरेशन में ही काम करने वाले उसके चाचा को दी गई और आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जाती है। श्रमिक अंकित मिश्रा नईगढ़ी थाना क्षेत्र के कोट का रहने वाला है, जिसका चाचा पंकज मिश्रा भी बिहार हाउस कॉरपोरेशन में कार्य करता है। उसी के अंडर में भतीजा वेयर हाउस में काम कर रहा था। चाचा पंकज मिश्रा ने बताया कि 5:30 बजे वेयर हाउस के साथ ही कर्मचारियों ने उसे सूचना दी कि अंकित के सीने में दर्द है। जब तक वह पहुंचा और अस्पताल के लिए लेकर निकला, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम कराने के लिए सबको मर्चरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी हो पाएगी कि श्रमिक की मौत किन कारणों से हुई है। आइए सुनते हैं मृतक के चाचा और उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है। कहाँ काम करते हैं? हम बियर हाउस में करते हैं। और जिनकी मौत हुई है कौन है आपके? वो हमारे चचेरे भाई। वो भी वहीं काम करते हैं? हाँ। क्या घटना घटी पूरी बताइए। घटना उदी तीन साल में, हाँ, हमें 5:17 पर फोन आया राकेश पाठक जी का कि वो हाथ पैर छटपटा रहे हैं, दर्द उठा। फिर वे 5:43 पर फोन लगाए को बेहोश हो गए। हम बोले जल्दी से ये एम्बुलेंस की व्यवस्था करके हॉस्पिटल पहुंचा। फिर हमने मौके पर गया, वहाँ तो एकदम अचेत के सर मृत हो गई वहीं। क्या लगता है कैसे मौत हुई? नशा वशा करते थे या कुछ और घटना? अभी पीएम आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी साथ में ही काम करते थे आपके? नहीं नहीं, वो अलग, वहाँ उदी तीन था हम जाते। और आप कहाँ काम करते हैं? हमें यहाँ PTS में, वेयर हाउस कॉरपोरेशन में। हाँ, वेयर हाउस। किसी अंडर में काम करते थे कि शासकीय विभाग में काम करते? शासकीय तरफ से थे वो? हाँ, शासकीय तरफ। शासकीय तरफ से थे। हाँ। कोई ऐसा तो नहीं लगे मारपीट या कुछ ऐसा घटना? और चोट और शरीर में तो नहीं है? हाँ, चोट शरीर में नहीं। नशा वशा कुछ करते रहे? अब नशा क्या बताएं, नशा कभी जानकारी हुई होगी? साथ में रहते रहे आप भी काम करते थे? नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं। चोरहटा थाना क्षेत्र की घटना है नुबस्ता चौकी की। अभी इसमें डॉक्टरों की टीम से PM कराने का बताया गया है और PM के पश्चात परिजन जो आए थे उनको बताया गया है। कल वो आएंगे थाने और बैठ के अपना विस्तृत स्टेटमेंट देंगे। उसके पश्चात इसमें आगे मर्ग जांच के दौरान जो भी आएगा उसके अनुसार लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।